तो नारेबाजी भी यहाँ जोरदार हो रही है। हालांकि ये कार्यकर्ताओं का उत्साह है और मैं गुजारिश करूंगा तमाम कार्यकर्ताओं से, कांग्रेस पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के, कि वो धैर्य से अपने नेताओं को, वो धैर्य रखें और अपने नेताओं को सुने। और समझ में आ रहा है कि गर्मा गर्म बहस यहाँ पर होने जा रही है, तो सबसे पहले मैं कार्यकर्ताओं से गुजारिश करूंगा, बीजेपी और कांग्रेस के, कि वो नारेबाजी ना करें। आप आए हैं जनसंवाद में, तो अपने नेताओं को जरूर सुने कि वो क्या कहना चाहते हैं। आप अगर नारेबाजी करेंगे तो अपने नेताओं को कैसे सुन पाएंगे? जी सेशन फोर की शुरुआत करेंगे, रुक जाइए। रुक जाइए, सेशन फोर की शुरुआत करने वाले हैं, उसके बाद जवाब सुन के आप लोग जरूर कीजिए। मैं गुजारिश करूंगा कि कम से कम वो कार्यकर्ता जो नारेबाजी कर रहे हैं, वो अपने नेताओं को सुनने अगर आए हैं तो वो धैर्य रखें, नारेबाजी ना करें। ये राजनीतिक मंच नहीं है, ये आपके विषयों पर, आम जनता के विषयों पर, वोटर्स के मुद्दों पर सार्थक संवाद का यह मंच है। तो इस सेशन को हम शुरू कर रहे हैं इस उम्मीद के साथ इस सेशन को शुरू कर रहे हैं कि कार्यकर्ता जो है, देखिए यदि आप लोग इसी तरह नारेबाजी करते रहेंगे तो हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में अक्षम हो जाएंगे। आप यदि चाहते हैं कि इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाए तो आपको नारेबाजी बंद करनी होगी। नारेबाजी के बीच में समझदारी का परिचय आपको देना होगा। यदि नारेबाजी करेंगे तो ना तो जनता सुन पाएगी कि आपके नेता क्या कह रहे हैं और ना आप सुन पाएंगे। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों के तमाम कार्यकर्ताओं से मैं ये गुजारिश करूंगा कि वो धैर्य से इस कार्यक्रम के सहभागी बने। ओवर टू यू छाया। बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एपिसोड 24 के जनसंवाद कार्यक्रम में। सेशन 4 की शुरुआत करने जा रहे हैं हम सभी, और आप सब कृपया धैर्य बनाकर रखें क्योंकि आपके ही चुने हुए जनप्रतिनिधि यहाँ पे बैठे हैं। अगर उनकी बातें आपको सुननी है तो आपको काम होके सुनना पड़ेगा। तो इनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे कि हमारा जो फोर्थ सेशन का नाम है वो है मध्य प्रदेश का संग्राम, और यहाँ पे कितना संग्राम भरा हुआ माहौल है वो तो दिख ही रहा है। तो हमारे साथ दो गेस्ट जुड़े हैं, पहले हैं सुनील उइके जी जो कांग्रेस के एमएलए हैं चुनार देव से, और एक जाना माना चेहरा है, आदिवासी चेहरा है, युवा चेहरा है। और साथ ही हमारे दूसरे गेस्ट जुड़े हैं विवेक बंटी साहू जी जो जिलाध्यक्ष हैं बीजेपी के छिंदवाड़ा के। तो इन दोनों का ही जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। तो सेशन फोर की शुरुआत करते हैं और जानेंगे कि मध्य प्रदेश में कितना संग्रामपूर्ण माहौल है। तो सबसे पहले सर उइके जी आपके पास आना चाहूंगी कि जो है आप एक आदिवासी चेहरा है सर, आदिवासी नेता है, और अब युवा चेहरा क्या सोचता है सर आगे? आज मध्य प्रदेश की जो सरकार है और जिस सरकार के नेतृत्व में पूरे मध्य प्रदेश और देश के अंदर आदिवासियों के ऊपर जो अन्याय और अत्याचार हो रहा है, आपने देखा होगा, चाहे हम सीधी की घटना की बात करें, चाहे निवार की घटना की बात करें, चाहे अन्य कई जिले में, जब कभी भी हम अखबार उठाते हैं और टीवी चैनल खोलते हैं तो हम ये देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के राज में आदिवासी वर्ग सुरक्षित नहीं है। तो आदिवासी का जो युवा है, बुजुर्ग है, जो परंपरागत वोटिंग करते कांग्रेस को आया और वो कमलनाथ जी पे बड़ी आस्था रखता है, और आने वाले समय में जो नौजवान युवा है, सिर्फ आदिवासी युवाओं की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सभी वर्ग के युवाओं ने ये ठान लिया है कि हम शिवराज सिंह की विदाई करेंगे और कमलनाथ जी की सरकार को बनाने का काम करेंगे। लेकिन सर
सर आप ही से सवाल है कि जो है बीजेपी तो मतलब शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री जी लगातार आदिवासी क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं, आपको भले ही कांग्रेस का साथ मिला है लेकिन सर लगातार दौरे हो रहे हैं, तो आदिवासियों के अगर हित की अगर वहां बात की जाए तो उनकी भी बात कही जाती है, तो उसको लेकर आप क्या? मेरा आप सबसे मेरा आपके चैनल के माध्यम से यही कहना है कि आज जब चुनाव आया तो आज दौरे कर रहे हैं, अमित शाह जी आते हैं, मोदी जी आते हैं, चाहे शहडोल की बात करें हम या अन्य आदिवासी जिलों की बात करें, इसमें दौरे हो रहे हैं। लेकिन आज इनकी सरकार को 20 साल हो गए, 20 साल में अभी भी अगर दौरे करने की आवश्यकता पड़ रही है तो ये आप बात समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के हाल क्या हैं। आज चाहे कोई भी सर्वे उठा के आप देख लें, और मैं तो ये कहना चाहता हूं कि पूरे प्रदेश के अंदर आप सर्वे कर रहे होंगे, आपने देख लिया होगा कि माहौल क्या है। कमलनाथ जी की सरकार बनने जा रही है और इस सरकार को विदा करके आदिवासी बदला लेने वाले, और सिर्फ सरकार नहीं बदलना, सरकार बदलना लक्ष्य नहीं है। जो अन्याय और अत्याचार युवाओं पे हुआ है, आदिवासियों पे हुआ है, हमारे अनुसूचित जाति पे हुआ है, वो बदला लेगा। जो इस बार जो बटन दबेगी वो पी आवाज नहीं आएगी, थोड़ा तेज आवाज आएगी पी करके, ये आपको देखना पड़ेगा। तो हमारे साथ विवेक बंटे साहू जी भी जुड़े हैं जो तेज तर्रार बोलने के नाम से काफी जाने जाते हैं। तो सर उइके जी का कहना है कि लगातार अत्याचार हो रहे हैं, तो किस विषय पर ये बोल रहे हैं, मतलब आपकी क्या कह आप इनके जवाब का, इनके सवाल का जवाब दी। उइके जी को अपनी टिकट की चिंता है इसलिए ये बात कर रहे हैं। आदिवासियों के कल्याण के लिए सबसे ज्यादा अगर किसी ने काम किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मैं सर्वप्रथम भगवान बिरसा मुंडा जी को नमन करता हूँ, टंट्या मामा को नमन करता हूँ, एक महान क्रांतिकारी जिन्होंने आदिवासियों के लिए जन जमीन और जंगल की लड़ाई लड़ी, ऐसे महान क्रांतिकारी को कांग्रेस ने भुलाने का और दबाने का काम करी। आज मोदी जी के नेतृत्व में, शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में भगवान बिरसा मुंडा को पूरे देश में पूजा जा रहा है। और आदिवासियों के हित की बात की जाए तो अगर आदिवासियों का सम्मान किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने करी है। सुनील भाई को कांग्रेस से ऊपर उठ के आदिवासियों की अगर बात करना है तो छिंदवाड़े में सबसे बड़ा आदिवासियों के साथ अन्याय किसी ने किया है, ये और एक पाप किया है कमलनाथ जी ने कि 2008 में छिंदवाड़ा की लोकसभा सीट आदिवासी वर्ग के लिए आरक्षित हो रही थी, कमलनाथ जी केंद्र में मंत्री थे, षड्यंत्र रच के उनने छिंदवाड़े के आदिवासियों का हक मारने का काम किया है। अगर आदिवासियों के सम्मान की बात हो, आज हमारी देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, आज हमारी छिंदवाड़े की बेटी अनसुईया उइके जी राज्यपाल के रूप में है, तो ये आदिवासियों को सम्मान भाजपा ने दिया? ये बता दे कांग्रेस के लोग कि कौन से एक आदिवासी को सम्मान देने का काम किया है। आज खुशी होती है कि बच्चों को, छोटे हमारे आदिवासी समाज के बच्चे हों, उनको अच्छी शिक्षा छात्रवृत्ति के साथ और एकलव स्कूल जैसे जहां प्राइवेट स्कूलों से अच्छी शिक्षा हमारी सरकार दे रही है, आज एकलव स्कूलों की। आपकी इतनी अच्छी योजना थी तो 2018 में आप फिर आदिवासी सीट से क्यों पिछड़ गए थे? बिल्कुल जो 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 कांग्रेस उस समय यहाँ के मुख्यमंत्री कमलनाथ जी थे, उस समय किसानों की कर्जा माफी का मामला था, कर्जा माफी के नाम पे इन्होंने झूठ बोला, युवा साथियों को 4000 रुपए बेरोजगारी भत्ते के नाम पर छूट बोला और स्व सहायता समूह की बहनों को कर्जा माफी के नाम पर छला, इन सब के कारण छिंदवाड़े में हमें नुकसान हुआ। लेकिन 2023 फिर से 2003 की कहानी दोहराएगा, सातों की सात सीट पर भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। अभी छिंदवाड़ा विधानसभा की बात में बताना चाहता हूँ, यहाँ से विधायक कमलनाथ जी हैं और 4.25 साल हो गए उनका छिंदवाड़े में पता नहीं है, जनता दूरबीन लेके घूम रही है। छिंदवाड़ा विधानसभा के 110 गांव और शहर के 48 वार्डों में कमलनाथ जी आज तक नहीं गए, कहीं उन्होंने पूछा नहीं कि आपकी समस्या परेशानी तकलीफ क्या है? ये दूरबीन लेकर के इसलिए मैं आया हूँ कि कमलनाथ जी कहाँ हैं उनसे पूछने के लिए। मैं एक बहुत अच्छी चीज आपसे बताना चाहता हूँ और शेयर करना चाहता हूँ, आदरणीय हमारे साथी ये हमारे छोटे भाई हैं और कांग्रेस के मेंबर भी रहे हैं, कांग्रेस के सदस्य भी रहे हैं, कमलनाथ जी में इनकी बड़ी आस्था रही है, आदरणीय हमारे पूर्व मंत्री दीपक सक्सेना जी में बड़ी आस्था रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद जो इनकी आस्था चेंज हुई है इसके कारण अपना पद सुरक्षित रखें और आने वाले समय में पार्टी इनको मौका दे, क्योंकि आज मुझे बड़ी चिंता होती है मेरे भाई की, और चिंता इसलिए होती है कि एक तरफ हमारे चंद्रमान जी लगे हुए हैं, बिल्कुल मुझे चिंता सताती है क्योंकि हमारे साथी रहे हैं, हम साथ में हमने नेतागिरी करी। तो मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आज बिरसा मुंडा की बात इन्होंने कही,
आज इन्होंने टंटिया मामा भील की बात कही, वो हमारे आदरणीय थे, अग्रज हैं और जीवन भर वो और सदैव अग्रज रहेंगे। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं और मैं बंटी भाई से सवाल करना चाहता हूं कि अभी 2018 में 700 सीट कांग्रेस की आई, लेकिन 2013 में क्या स्थिति थी? 2013 में हमारे आदिवासी विधायक हुआ करते थे, कौन मंत्री बना आप मुझे बता दूं? कांग्रेस की जब सरकार थी तो एक दर्जन आदिवासी मंत्री होते थे, हमारे प्रेम नारायण ठाकुर जी आज इनकी पार्टी में, लेकिन बड़े विभाग, स्वास्थ्य मंत्री जैसा उन्होंने पदभार ग्रहण किया, परिवहन मंत्री वो रहे, पंचायत मंत्री वो रहे, तेजीलाल सरयाम जी मंत्री रहे, सोवराम भलावी जी यहां पर निगम के अध्यक्ष रहे, जब से भारतीय जनता पार्टी आई है छिंदवाड़ा के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है, ये इसका बदला छिंदवाड़ा सहित पूरा मध्य प्रदेश लेने जा रहा है, मेरे भाई को मैं ये बताना चाहता हूं। मेरा हाँ। सीधा सीधा और अंतिम एक बात मैं कहना चाहता हूं, आपने बंटी भैया ने बहुत अच्छी बात कही, हम भी बड़े अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि जब हमारे छिंदवाड़ा की बेटी राज्यपाल का पद ग्रहण करती है, हमारे समाज की हमारी बड़ी बहन है वो, जब राष्ट्रपति मुर्मू जी बनती तो हम अपने आप को गर्व महसूस करते हैं, लेकिन जब वो बनने के बाद देश के अंदर आदिवासियों की स्थिति क्या है उस पर चिंता करने की आवश्यकता है कि आज उनके बनने के बाद आदिवासियों की स्थिति क्या है, आज देश के अंदर प्रदेश के अंदर क्या स्थिति बन रही है। जो एक अंतिम चीज कह के मैं अपनी बात समाप्त करता हूं, जब हम कहीं वाशरूम में जाते हैं हमको चींटी और चींटे भी दिखते हैं तो हम खसक के बाथरूम करने का प्रयास करते हैं, आदिवासियों के चेहरों पे पेशाब की जा रही है इनके कार्यकाल में, ये कितने चिंता का विषय है, ये चिंता का विषय है। और इसमें दलगत राजनीति से हटके जो गलत है वो गलत है, वो सरकार कोई भी हो सकती है, उसमें क्या बात है, ये बात हमको समझ रही है, हमको चिंता करना पड़ेगा, हमको भाषण नहीं देना पड़ेगा, हमको चिंता करना पड़ेगा और रिजल्ट बताने पड़ेंगे। जैसे आज मैं बता रहा हूं कि 2003 में जब कांग्रेस की सरकार थी तो 3-3 विधायक आदिवासी होते थे, ये सम्मान छिंदवाड़ा का गौरव था। 2013 में विधायक बने, 2018 में तो खैर इनके पास नहीं है, और 23 में भी मैं बता दे रहा हूं कि इनके सही सब विधा होंगे, अभी भैया के गले में दूरबीन है, अंतिम बात कह रहा हूं बंटी भाई, अभी भैया के गले में दूरबीन है, पूरे छिंदवाड़ा में दूरबीन लेके घूम रहे हैं, लेकिन पूरे शहर के लोग दूरबीन से भी ये वोट मांगेंगे तो इनको मिलने वाले नहीं है, कमलनाथ जी विधायक बनने जा रहे हैं और कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे। मंडी जी सीधे सीधे इनका कहना है कि सौतेला व्यवहार ऐसा, देखिए ये इनका दुख दिखा रहे हैं, इनने बताया कांग्रेस को भी संदेश दिए कि 2018 में सरकार बनी जिनने बहुत मेहनत करी कि मैं मंत्री बन जाऊं, तो कमलनाथ जी ने किसी को मंत्री नहीं बनाए, बेचारे दीपक सक्सेना जी ने इस्तीफा दिए और वो घर में बैठे रहे, उनको तक के कोई पद नहीं दिया गया। देखिए इन्होंने जो बात कही कि जो घटना हुई आदिवासी वर्ग के लिए, सरकार ने पूरा उसमें संज्ञान ली और जो घटना के खिलाफ उसमें बुलडोजर उसके घर पे चले, और भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार आई है किसी भी वर्ग, न सिर्फ आदिवासी वर्ग बल्कि किसी भी वर्ग के ऊपर अगर अन्याय होगा सरकार तुरंत एक्शन लेकर के उसमें कार्रवाई करने का काम कर रही है। और रही दूरबीन लेकर के वोट की बात, तो इनके सामने सबूत हैं, प्रेजेंट मुख्यमंत्री रहते हुए कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे, करोड़ों रुपए उनने खर्चा किए, हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर फर्जी मामले बनाए, हमारे कार्यकर्ताओं को जेल में डालने का काम किया, पट्टे बांटे, भावांतर दिया, उसके बाद कमलनाथ जी के खिलाफ 90,000 लोगों ने वोट किया था, और अब की बार तो छिंदवाड़े की जनता ने तय कर ली है कि कमलनाथ जी का बोरिया बिस्तर बनवा करके उनको कहां के रहने वाले पता नहीं है, दिल्ली कलकत्ता कहां के रहने वाले हैं, यूपी कहां के रहने वाले हैं, वहां वापस हो जाएंगे। देखिए एक बात ये जो कह रहे हैं कि छिंदवाड़े के साथ सरकार ने सौतेला व्यवहार करी, ये विधायक हैं, अगर ये लिखा के दिखा दे मेरे को, अगर छिंदवाड़े के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सौतेला व्यवहार करी होती तो आज छिंदवाड़े में 16,60,000 लोग को निःशुल्क राशन हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार दे रही है, पूरे मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा निःशुल्क राशन छिंदवाड़े में मिल रहा है, पूरे मध्य प्रदेश में 13.5 लाख लोगों को आयुष्मान कार्ड बना करके दिए गए हैं, पूरे मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा सिलेंडर देने का काम छिंदवाड़े में सबसे ज्यादा सिलेंडर निःशुल्क छिंदवाड़े में बने, पूरे मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री आवास छिंदवाड़े में बने, पूरे पूरे मध्य प्रदेश की सबसे ज्यादा योजनाओं का लाभ छिंदवाड़े में मिल रहा है। अब रही अगर छिंदवाड़ा के साथ भाजपा की सरकार ने कोई दोगलापन नहीं करी, अगर ऐसा कुछ लगता तो इनने कितनी बार विधानसभा में सवाल उठाए, मेरा सीधे सीधे कमलनाथ से और सुनील विकी से सवाल है कि आप विधायक थे छिंदवाड़ा के विषय में जनता ने आपको चुन करके भेजा था, आपने क्या किए,
आपने कोई एक सवाल उठाए विधानसभा में? मेरा नकुल नाथ अभी यहाँ पर आकर के बैठे थे, मेरा उनसे सवाल है, नकुल नाथ जी आपने छिंदवाड़े के साथ अगर कोई सोतेलापन हो रहा था तो लोकसभा में कोई सवाल उठाए? कोई नहीं उठा सकते, क्योंकि छिंदवाड़े का विकास 2003 के बाद हुआ है, इनने तो बंटा ढार करके रखे थे 2003 के पहले। छिंदवाड़े का जितना विकास हुआ है आज आप देख ले, मेडिकल कॉलेज, माचागोरा डैम, छिंदवाड़ा की सारी सड़कें भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में भारतीय जनता पार्टी ने बनाई है। ये तो ये इनके 15 महीने के शासनकाल में इन्होंने छिंदवाड़ा को एक रुपये नहीं दिया। मैं ऑथेंटिक बता रहा हूं, सूचना के अधिकार के माध्यम से मेरे पास कागज है। 15 महीने कमलनाथ मुख्यमंत्री रहे, छिंदवाड़ा के नगर निगम को 15 पैसे नहीं दिया। छिंदवाड़ा में जितनी पंचायतें थी किसी एक पंचायत में पैसा नहीं दिया। कमलनाथ, मैं तो चुनौती आपके सामने, आपके चैनल के माध्यम से चुनौती देना चाहता हूं, कमलनाथ जी, नकुलनाथ जी आए मेरे सामने बात करें, मैं बताऊंगा छिंदवाड़े का विकास। जब कांग्रेस की सरकार थी तो छिंदवाड़े में 20,000 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई होती थी, आज 3.25 लाख हेक्टेयर भूमि में सिंचाई हो रही है। कांग्रेस का 2003 50,000 मेट्रिक टन गेहूं उत्पादन होता था, आज छिंदवाड़े में 14 लाख मेट्रिक टन गेहूं उत्पादन हो रहा है। ये बताएं सुनील विके जी, इनकी सरकार में 1 घंटे बिजली नहीं मिलती थी, आज किसानों को 10 घंटे बिजली खेती की और घर की 24 घंटे बिजली मिल रही है। छिंदवाड़े का विकास, मेरा एक और है, मैं कमलनाथ जी से कई बार और नकुल नाथ से क्वेश्चन कर चुका हूं, मैं आपके माध्यम से क्वेश्चन करना चाहता हूं। जेपी इंजीनियरिंग कॉलेज के नाम से 2014 में युवाओं को इन्होंने मूर्ख बनाया, छिंदवाड़े को लूटा, तो कमलनाथ जी आप बताएं कि वो जेपी इंजीनियरिंग कॉलेज क्यों नहीं खुला? मैं कमलनाथ जी से पूछना चाहता हूं कि आप 4.25 साल हो गए छिंदवाड़ा के विधायक बने, आप 110 छिंदवाड़ा विधानसभा के 110 गांव, हमारे 48 वार्ड आज तक कहीं नहीं पहुंचे, कहीं जाके जनता से नहीं पूछा क्या परेशानी, क्या समस्या, क्या तकलीफ है? इसलिए छिंदवाड़े की जनता दूरबीन लेकर के निकल रही है, इसलिए छिंदवाड़े की जनता उनसे सवाल कर रही है। एक मिनट सर, देखिए विधानसभा चुनाव आ रहा है तो ये तो हो गई आदिवासियों के बात और किसने क्या किया इसके बाद, लेकिन सवाल आता है सर कि बीजेपी ने अभी तक लगातार उनके दौरे हो रहे हैं मुख्यमंत्री, एक सेकंड सर सवाल सुन लिए, तो 30 जिलों के दौरे भी कर लिए, लेकिन सर सवाल ये आता है कि बीजेपी ने जो है प्रत्याशियों की घोषणा भी कर दी है चुनाव की तारीखों से पहले, लेकिन सर कांग्रेस की तैयारी नहीं दिख रही है। एक मैं आपके सवाल पे आता हूं, लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं, आपसे, आपके सवाल पे भी आ रहा हूं मैं, कि जैसा कि हमारे साथी बंटी भाई ने माचागोरा की बात करी, कि माचागोरा डैम हमने बनाने का काम किया, ये तो 1983 से कमलनाथ जी ने 1983 से 5 बार भूमि पूजन कर दी है, जिले का आदमी हर बार नारा दिए, लेकिन भाजपा की सरकार ने 3400 करोड़ रुपए से 2016 में उसका शुभारंभ हुआ और भाजपा की सरकार में बना मेडिकल कॉलेज, जब चुनाव के लग रही थी, आधा घंटे पहले सर आपने सवाल पूछे हैं, जवाब सुन लेते हैं। पूरे जिले का आदमी किसी से भी पूछोगे आप, और इवन बीजेपी के भी कार्यकर्ता से अगर सच्चे दिल से पूछोगे तो वो भी कह देंगे कि छिंदवाड़ा के अंदर अगर माचागोरा का पानी आया है, भाजपा ने लाई है। 20,000 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई होती थी, मक्के में भी 20,000 हेक्टेयर भूमि में, मैं मक्के में भी आंकड़ों के साथ, मैं गेहूं 2003 में, 2003 में आंकड़ों के साथ 20,000 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई होती थी, लेकिन आज का छिंदवाड़ा है 3 लाख हेक्टेयर भूमि में सिंचाई हो रही है। मैं मक्के में भी आना, 2003 का काम छिंदवाड़ा 50,000 मेट्रिक टन गेहूं का उत्पादन होता था, आज 14 लाख मेट्रिक टन गेहूं का उत्पादन हो रहा है। एक बड़ी चीज मैं बताना चाहता हूँ, हमारे साथी ने 15 महीने के शासन काल में कमलनाथ जी ने 15 पैसे नहीं दिए, ऑन डॉक्यूमेंट हमारे जो साथी चाहता हूँ, हमारे साथी ने एक बात कही है, अभी अभी जब बोली क्या हुआ, मक्के पे क्या हुआ, अपनी टिकट का चक्कर मक्के के लिए मध्यप्रदेश की सरकार ने यहाँ पर कॉर्न फेस्टिवल का काम किया। आज मक्के की अगर हम बात करें, जिला मक्का प्रधान जिला है और मक्के का फेस्टिवल लगाने का काम कमलनाथ जी की सरकार ने यहाँ पर किया,
जैसे ही सरकार बदली इन्होंने मक्के की खरीदी बंद करा दी। छिंदवाड़ा की जनता रास्ता देख रही कि कब आएंगे ये लोग और इनको हम ठिकाने ठिकाने लगाने करेंगे। चिंता मत करो, दूरबीन लेकर मैं लेना चाहता हूँ, दूरबीन जोर से बोलने कि जोर से बोलने से आज छिंदवाड़ा की जनता दूरबीन लेकर ढूंढ रही है कमलनाथ जी को। 15 महीने में आपने धोखा दिया, ना किसानों का कर्जा माफ हुआ, ना युवाओं को बेरोजगारी भत्ता मिला, ना छिंदवाड़ा का विकास हुआ। कमलनाथ जी ने एक सेकंड 500 करोड़ रुपए का सिंचाई कनाल सिंचाई घोटाला किया 500 करोड़ रुपए का, इसमें जेल जाएंगे ये अंदर होंगे। कमलनाथ ने भ्रष्टाचार किया है 500 करोड़ रुपए का। एक मिनट मेरी बात सुनिए जी, देखिए सर, एक मिनट सर, समय की बहुत पाबंदी है, सेशन 4 भी खत्म होने को है। आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपने बात रखने के लिए, क्योंकि आपने जिस बेबाकी से बात रखी है अभी तक हुटिंग हो रही है, हम भी सुन रहे हैं। सर आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया आपने बात रखी। इसके बाद सेशन 5 की भी शुरुआत होगी, उसमें भी देखेंगे पक्ष और विपक्ष क्या मुद्दे हैं। चलिए धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दोनों खास मेहमानों का और छिंदवाड़ा की जनता का। हम कहें कि 2018 में जो परिणाम आए थे उसके बाद 23 का संग्राम बड़ा जबरदस्त होने वाला है और कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दलों के कार्यकर्ताओं का उत्साह देखने लायक है। बहुत बहुत शुक्रिया विधायक जी हमसे जुड़ने के लिए, बहुत बहुत